चलिए बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश में विधान परिषद की कवायद शुरू हो गई है। आज मुख्य सचिव एसआर मोहंती इसके गठन के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। संसदीय कार्य विभाग ने परिषद पर होने वाले अनुमानित खर्चे का डिस्कशन पेपर भी तैयार कर लिया है। इसके अनुसार विधान परिषद में एमएलसी और अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर ही सालाना करीब 26.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अन्य पूंजीगत व्यवस्थाओं पर 6.25 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। हालांकि सरकार को अपने मंत्रिमंडल में 15 के हिसाब से सदस्य बनाने का मौका मिल जाएगा। तो बता दें कि आज विधान परिषद को लेकर मुख्य सचिव एसआर मोहंती कुछ स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में विधान परिषद के गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में विधान परिषद के गठन करने की घोषणा भी की थी और आज इसी सिलसिले में मुख्य सचिव एसआर मोहंती उच्च स्तरीय बैठक लेने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार यानी आज मुख्य सचिव एसआर मोहंती इसके गठन के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। संसदीय कार्य विभाग ने परिषद में होने वाले अनुमानित खर्च का डिस्कशन पेपर भी तैयार कर लिया है। इस परिषद में एमएलसी और अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर ही सालाना 26 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अन्य पूंजीगत व्यवस्थाओं पर 6.25 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। बता दें कि परिषद विधानसभा जैसा ही काम करती है लेकिन उसके अधिकार कम होते हैं। बजट अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में आते हैं पर परिषद सदस्य वोट नहीं कर सकेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। विधान परिषद का अस्तित्व अभी तक 31 में से 7 राज्यों में ही है और अगर मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन होता तो मध्य प्रदेश विधान परिषद गठन करने वाला 8वां राज्य बनेगा। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद को लेकर कवायद तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन करने की घोषणा भी की थी। इसे लेकर आज मुख्य सचिव एसआर मोहंती उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं।